सभी आंकड़े सही हैं, आंकड़ों में कोई हेरा फेरी नहीं है। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, सभी आंकड़े सही हैं। इस आंकड़ों से विशेष अवसर के सिद्धांत का अनुपालन करने में आसानी होगा। जिन वर्गों तक सुविधाएं नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचेगी इस जनगणना के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार आएगी तो बिहार के स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे, राहुल गांधी जी ने बोला है। जी हाँ, तो बड़े नेता जी ने भी बोला है, तो राहुल गांधी जी बोल दिया, हो गया कांग्रेस का। अब उनके तो कांग्रेस का अधिकृत बयान, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं। इंडिया भारतीय जनता पार्टी वाले घोटालों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए उनको लगता होगा चौथा कृषि रोड मैप लागू हो रहा है। किस तरह दिखते हैं आप ये मान के चलिए कि चौथा कृषि रोड मैप के आने के बाद हम लोग बहस करेंगे क्या उसमें तथ्य है नहीं है, लेकिन एक बात तो सही है कि पहले वाले जो थे वो हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं दिए थे, नुकसान हुआ था, ये पहले मैंने बोल चुका है। सरकार में है, लग रहा है कुछ सुधार होगा उसमें, स्वाभाविक सुधार होगा, पहले से सुधार होगा। सुधार होगा, बिहार में जातीय गणना हुआ, बात हो रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी होती है उतनी हिस्सेदारी हो जी, क्या कहें? निश्चित तौर पर विशेष अवसर का सिद्धांत भारतीय संविधान में है, उसके अनुरूप इसका फायदा होगा इस जनगणना से, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या अभी चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी? बहुतों को मिला है हिस्सेदारी, कुछ लोग को ज्यादा है, स्वाभाविक है कि जिनको नहीं मिला है उसको देने में कुछ लोग का घटेगा। ये सब नकली मांग है, इस मांग में कोई दम नहीं है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट नहीं जारी किया गया, उसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जल्दी आना चाहिए। बिहार के किसानों की माली हालत बहुत खराब है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है, बिहार में भारी पैमाने पर पलायन है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आने पर सबको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं हम सरकार जो चला रहे हैं उसमें भी सुधार की जरूरत है। क्या ये जातीय गणना सरकार अपने फायदे के लिए किए हैं? राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, ये बात तो सही है, किसको क्या फायदा होगा ये वो जाने, हम नहीं बता सकते। 90 का दशक एक बार फिर से आ जाएगा जातीय आधारित गणना हुई है? नहीं, 90 का दशक का जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि दंगा देश भर में भड़काया था भारतीय जनता पार्टी, वैसा काम हम लोग नहीं होने देंगे, कोई दंगा बिहार में नहीं होने देंगे, भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट जाएगा। अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है हम लोग उसको फॉलो करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बिहार मॉडल की तरह तारीफ हो रही है बिहार। हाँ, नहीं तो हर जगह होना ही चाहिए, पूरे देश में जो है मांग जो है उठ रही है, कई राज्य जो है अब जो है चुनावों में भी बोला गया है कि हर जगह जो है कास्ट सेंसस जो है राज्य सरकार जो है कराएगी, लेकिन असल में ये तो काम जो है मानवता के लिए हुआ है ना, और सही साइंटिफिक डेटा जो है वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि वो उस हिसाब से योजनाएं बनाए। और अब तो हम लोग तो कई बार मांग कर चुके हैं, जो लोग आपत्ति जो लोग दर्ज करते हैं उन लोगों को कम से कम प्रधानमंत्री से बोल करके देश भर में जाति जनगणना करवानी चाहिए, यहाँ तो सेंसस भी नहीं हो रहा। तो आपको पता होगा ना कि आपकी आबादी जो है देश की वो कौन सी स्थिति में है, कौन सी आबादी है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रही है, तो ये सारा पता होना चाहिए, उसी हिसाब से तो सरकारें जो हैं वो काम करेंगी। तो प्रियंका जी ने जो बोला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने इस बात को जब पटना आए थे तो उन्होंने हुंकार भरी कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम समाप्त कर देंगे। अब ऐसा तो लग रहा है वो खुद ही समाप्त हो रहा है, जितने क्षेत्रीय दल थे वो तो सब इनसे बिछड़ गए, कोई इनके साथ टिका का। आपका नाम ले अभी फिलहाल में ही अगर देख ले तमिलनाडु में जो दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा इनका अलायंस था वो तो बिछड़ गया, इनसे छोड़ दिया, तो कोई इनके साथ है कौन? ना देश की जनता है, ना क्षेत्रीय दल है, ना कोई है। और क्षेत्रीय दल स्टेट है तभी ना सेंटर है भाई, जब स्टेट ही नहीं रहेगा तो सेंटर किस बात का। अच्छा, बिहार में बीजेपी से क्रेडिट ले रही है, जो आप लोगों ने कास्ट सर्वे कराया उसका करिए कि हम लोग के सहयोग के बिना थोड़ी हो पाता है, हम लोग सरकार में थे इसीलिए हुआ है, हम लोग के सहयोग के बिना नहीं हो पाता। इतना अच्छा काम है तो देश में करा ना ले, काहेला मोदी जी मना कर देते हैं, काहेला इनके मंत्री सब लोकसभा राज्यसभा में बोलते हैं हम नहीं कराएंगे, करवा ले। चलिए।